हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक सीम्स। चैंपियंस लीग क्वालिफायर्स लीग का मैच हो रहा है पीएसवी वर्सेस मोनाको के बीच, 2 घंटे 51 मिनट बाद। तो बात करें, मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। चलते हैं आगे, बात करें अगर हम इस मैच की पीएसवी और मोनाको में अगर देखा जाए तो जो टीम स्ट्रांग है वो है पीएसवी, एंड पीएसवी के जीतने के चांसेस हैं अराउंड मतलब 60%। मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा, 50 भी मान सकते हो आप, क्योंकि पिछला मैच ड्रॉ हुआ था दोनों टीम्स के बीच एंड इनका ऑलरेडी एक मैच हो चुका है। बात करें सबसे पहले हम गोलकीपर की, देन मैं फर्स्ट गोलकीपर वॉज नबल, एंड नबल की जी अच्छा करने के चांसेस थोड़े ज़्यादा है, क्योंकि अलेक्जेंडर नबल को खेलना बहुत ज़्यादा अच्छी तरह आता है। नबल लिटरली मेरी नज़र में भी काफ़ी बढ़िया प्लेयर है। मानता हूँ पिछले मैच के अंदर दोनों गोलकीपर्स ने इक्वल पॉइंट दिए थे, लेकिन ड्रीम टीम में नाम वॉल्टर का आ गया था, क्योंकि मोनाको के एक डिफेंडर ने गोल कर दिया था, जिस कारण इसकी अहमियत थोड़ी कम हो गई थी। आगे से अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैं लूँगा पी मैक्स को, तो यहाँ पर जैसे कि फिलिप मैक्स एंड ओबिस्पो ने बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन दिया था पिछले मैच में, हालांकि मारिपन भी बहुत अच्छा खेल के गया था। जैसे कि मारिपन ने पिछले मैच के अंदर अगर देखा जाए तो पीएसवी के खिलाफ असिस्ट की थी, लेकिन अगर मैं अगर मैं सारा कुछ देखूं तो ऐसे तो ये भी अच्छा था एक्सेल। अब हर मैच में तो कोई गोल कर नहीं सकता, मानता हूं लोगों ने पिछले मैच में मोनाको टीम को फेवर किया होता है एंड वो बहुत अच्छा जीते भी, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता गाइज। पीएसवी टीम बहुत स्ट्रांग है, अभी अभी एक मैच खेल के आई है 2 दिन पहले, 4-1 से इतनी बड़ी टीम को हराया इन्होंने अपनी लीग के अंदर, अब आप खुद लगा लो। एंड पी मवेन की बात करें तो यहाँ पर है फिलिप मवेन को मैं यहाँ पर अपनी टीम में ले रहा हूँ, हालांकि डिफेंडिंग में बहुत दम था, इनके डिफेंडर्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल खेल के गए थे। मैं ये नहीं कह रहा कि मोनाको टीम कमज़ोर है, मोनाको भी अच्छी है, लेकिन यार मैं थोड़ा फेवर इधर कर रहा हूँ। आगे से अगर हम बात करें गोलोविन की, हाँ तो जो चाहता है वो गोलोविन की जगह डिफेंडर ले सकता है, लेकिन मैं राय दूंगा ये गलती मत करो, क्योंकि गोलोविन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया प्लेयर है, इंप्रेसिव प्लेयर है, क्योंकि गोलोविन ने पहले भी, मानता हूँ गोल ज़्यादा नहीं है, साल में 10 गोल करने वाला ही प्लेयर है, 10 भी ज़्यादा होंगे, 4-5 गोल करने वाला प्लेयर है, लेकिन कई बार भी अनएक्सपेक्टेड गोल्स हो जाते हैं, कई बार ऐसा होता है जिस प्लेयर पे भरोसा नहीं होता वो भी चल जाता है, इसलिए। आगे से बात करें सिंगारे की, तो इब्राहिम सिंगारे को आप अच्छी तरह जानते हैं, इसको स्ट्राइकिंग भी आती है, ये नाम का मिडफील्डर ज़रूर है लेकिन स्ट्राइकिंग अच्छी तरह जानता है, तो सिंगारे के पास एक्सपीरियंस की कमी नहीं है। डीओप की बात करें, पिछले मैच के अंदर डीओप नहीं खेला, तो लोगों ने डीओप की जगह मिनामिनो को ले रखा था स्ट्राइकिंग में, और कईयों ने ले रखा था एल्डेजोंग को, तो मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर आप अभी मिनिमानो के साथ जा सकते हैं, लेकिन आपको रुकना पड़ेगा कि डीओप खेलता है नहीं, क्योंकि अगर मैं इन दोनों में कंपैरिजन करूँ तो ये प्लेयर पहले लिवरपूल में था और ये शुरू से इधर है, और कंपेयर करूँ तो मिनिमानो इंटरनेशनल खेलता है, डीओप इंटरनेशनल नहीं खेलता। अब फ़र्क यहाँ पे आ रहा है कि क्या होगा, क्योंकि इसका परला भारी है, वैसे मिनामिनो का परला भारी है, बट क्या करें। एंड वीरमैन की बात करें, जॉय वीरमैन ने पिछले मैच में गोल किया था, बट इसके गोल का मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये सबकी टीम में था, दिखने में सिलेक्शन ज़रूर कम थी लेकिन मेरे हर ओपोनेंट की टीम में था तो मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, शायद आपको हुआ हो। एंड आगे से अगर हम बात करें तो यहाँ पर एल्डेजोंग, यार एल्डेजोंग ने तीसरी बार टीम बदली है, साल में तीसरी टीम ज्वाइन की है, पिछले साल इसने अपनी ओरिजिनल टीम छोड़ी और फिर मतलब पहले ये बंदा किसी और टीम में था, फिर एल्डेजोंग इधर आ गया, अब बार्सिलोना में, फिर बार्सिलोना में फ्लॉप हुआ, फिर बार्सिलोना के बाद आ गया पीएसवी में, तो पता नहीं क्या करेगा, लेकिन पहले मैच के हिसाब से बढ़िया असिस्ट की थी इस बंदे ने पिछले मैच में। और डब्ल्यू बेन याडर की बात करूँ, डब्ल्यू बेन याडर पिछले मैच में हाईली सिलेक्टेड था, भरोसा लोगों को कुछ ज़्यादा ही था, बट चला नहीं, क्योंकि मैं तो वोलांड पर भरोसा नहीं कर रहा था, मैंने गैकपो पर भरोसा किया था, गैकपो भी नहीं कुछ खास करके गया, गैकपो का गोल भी मतलब गोल की ट्राई भी नहीं की, तो गैकपो को मैं फिर से कैप्टन रखूँगा एज अ रिस्क, आज देखा जाएगा जो होगा मेरे साथ, क्योंकि रिस्की मैच है आई नो। मैं आपको बता दूं, जो मेरे प्राइम मेंबर्स हैं उनको भी बता दूं, है तो बहुत रिस्की मैच, बट क्या करें, खेलना है। बात करें कैप्टन की, कैप्टन है गैकपो, वाइस कैप्टन है डब्ल्यू मैन याडर, या तो आप चाहें तो रख सकते हैं एल्डेजोंग एंड सिंगारे में से किसी को, लेकिन एल्डेजोंग थोड़ा रिस्की है, सिंगारे और भी रिस्की है, और बाकी मैं डब्ल्यू मैन याडर के साथ खुश हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।